माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास टेंथ कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो आज का बायोलॉजी कैप्सूल का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स लास्ट बायोलॉजी कैप्सूल में आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है एंड दैट इज बाय द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द ज़ाइलम ट्रैकिड्स एंड वेसल्स राइट लेकिन इस वाले लेक्चर में इस वाले कैप्सूल में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से फूड मटेरियल जो कि सिंथेसाइज हुआ होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो जो भी फूड मटेरियल सिंथेसाइज होता है आई मीन ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ शुक्रोज वो स्टोर होता है प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में तो वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा अब आपको मैं बता देती हूँ कि प्लांट के पार्ट्स को ना हर एक पार्ट को चाहे वो सबसे बॉटम सेल हो रूट का चाहे सबसे टॉप मोस्ट सेल हो या फिर कोई भी ब्रांचेस हो या फिर ट्री का वुड हो कोई भी पार्ट हो हर एक सेल हर एक टिश्यू को फूड चाहिए होती है ताकि वो अपनी प्रॉपर फंक्शन कर सके ठीक है तो उसके लिए हमें उसे फूड प्रोवाइड करना होगा एंड वी हैव टू ट्रांसपोर्ट इट, राइट? तो प्लांट्स में जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटीरियल उसे हम कहते हैं फ्लोएम, उसे हम कहेंगे फ्लोएम और फ्लोएम के चार कंपोनेंट्स होते हैं जस्ट लाइक ज़ाइलम जैसे ज़ाइलम के चार कंपोनेंट्स थे वैसे ही फ्लोएम के चार कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे सबसे पहले फ्लोएम पैरन कायमा पैरन कायमा फिर सीव ट्यूब्स सीव ट्यूब्स उसके बाद कंपेनियन सेल्स राइट सो fibers. Fibers, right. so, जिस तरह से ट्रैकेट और वेसल्स दोनों मिलकर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे वॉटर एंड मिनरल्स का उसी तरह से फ्लोएम में ट्यूब और कंपेनियन सेल कंपेनियन सेल का नाम ही कंपेनियन है यानी कि वो साथ देता है सीव ट्यूब का तो सीव ट्यूब बेसिकली फॉरमोस्ट लाइक प्राइमरी टिश्यू होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए उसके साथ में जो टिश्यू का काम होता है वो होते हैं कंपेनियन सेल्स सो सी ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट अब देखो एक और एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी मैं आप लोगों को समझा देती हूं जब भी किसी भी आ, प्लांट में फूड uh, मटेरियल या फिर uh, समझ लो आपकी ग्लूकोज वगैरह कार्बोहाइड्रेट या फिर एनर्जी प्रोड्यूसिंग सल्यूट की नीड होती है ना एक एक जगह से दूसरे जगह पर उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो हम उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन हम उसे कहेंगे ट्रांसलोकेशन ठीक है स्टार्ट कहां से होता है फ्रॉम द लीव्स जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं के वहां से शुरुआत होती है ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की किस तरह से होता है अब मैं आपको समझाती हूँ देखो फूड मटेरियल है ठीक है वो तो एक सल्यूट है तो उसका सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो जब ट्रांसपोर्टेशन होती है वाटर एंड मिनरल्स की और वो हर एक सेल में धीरे धीरे करके पहुंचते हैं तब क्या हो जाता है सेल के अंदर आई मीन सीव ट्यूब के अंदर जो कि सीव ट्यूब कंटेन कर रहा है सीव ट्यूब कंटेन कर रहा है क्या फूड मटेरियल्स फूड मटेरियल्स ये जो कंटेन कर रहा है ना इस तक पानी पहुंचने लग जाता है इस तक क्या होगा पानी पहुंचने लग जाएगा और और क्या होगा सारे सारे के सारे सेल्स जो है सीव ट्यूब्स में धीरे धीरे उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे एंड उसे पूरे प्लांट के हर एक टिश्यू पे ट्रांसलोकेट करेंगे दिस विल हैपन बिकॉज़ ऑफ़ द ऑस्मोटिक प्रेशर अब मैं आपको समझाती हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है सबसे पहले क्या हुआ लीव्स में फूड मटेरियल्स बने अब ना एटीपी या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उन सारे फूड मटेरियल्स को सीव ट्यूब के अंदर लोड करने के लिए अब वो एनर्जी यूटिलाइज करने के बाद जब सारा का सारा फूड मटेरियल सीव ट्यूब के अंदर लोड हो चुका होगा इसके वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एनहांस हो जाता है जिसकी वजह से धीरे-धीरे उसमें पानी भी आता चला जाएगा प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ज्यादा प्रेशर आता है तो हमें क्या करना पड़ता है प्रेशर को थोड़ा कम करना पड़ता है तो उसमें पानी धीरे धीरे आने लग जाएगा एंड पानी पानी के से, पानी के हेल्प हेल्प से से सारा का सारा फूड मटेरियल सीप ट्यूब्स होते हुए बाकी सारे के सारे प्लांट के पार्ट में पहुंच जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अल्यूशन टू स्टॉप द दल्यूट ठीक है कोई भी सोलूशन के लिए एक मिनिमम प्रेशर होता है कि वो सोलूट को रोक सके ठीक है सो आई गेस पे आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड समझ में आ गया होगा किस तरीके से ट्रांसलोकेशन होता है फूड मटेरियल्स का ग्लूकोज का शुक्रोज का एंड वो पूरे के पूरे प्लांट पार्ट्स में पहुंच पाता है विद द हेल्प ऑफ सी ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्फ तो मिलते हैं हम लोग अगले बायोलॉजी कैप्सूल में तब तक के लिए टेक केयर थैंक यू सो मच एंड बाय बाय बच्चों